Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. आज का ये वीडियो एक्सेल को लेकर के है. एक्सेल में एक टॉपिक है सेल रेफरेंस का, तो वो सेल रेफरेंस के टॉपिक पर ये पूरा वीडियो बेस्ड है. और इसको हम कैसे सेल रेफरेंस को समझेंगे, क्योंकि बात करें ट्रिपल सी के पेपर के बारे में तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपको दे देगा एग्जाम्पल और पूछेगा कि ये कौन सा सेल रेफरेंस है. बात करें ओ लेवल के पेपर की तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. यूटिलिटी की बात करें, आप अगर कहीं काम करते हो तो सेल रेफरेंस की क्या यूटिलिटी हो सकती है, वो भी बहुत बड़ी बात है. आप चाहे कहीं भी काम करते हो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक्सेल पर अगर आप काम करते हो तो किस प्रकार से सेल रेफरेंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसी की बात करेंगे और समझेंगे पूरे सेल रेफरेंस को. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन एमएस एक्सेल. I have a page of MS Excel on which we create data on MS Excel. मैंने एक data बना कर रखा हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं. इसमें मैंने name of salesman लिया है, item name लिया है और यहाँ पर ये कुछ इसमें item दिए गए हैं. इसमें ये spelling mistake काफ़ी ज़्यादा है, so इसको मैं सही कर लेता हूँ. ये laptop है और ये ब्रिक है. ओके और ये ऑटो है, ऑटो रिक्शा. ठीक है, ये एप्पल है और ये एग है. ठीक है, यहाँ कुछ सेल्समैन हैं जो इन सामानों को बेच रहे हैं. किन किन अमाउंट्स में इन्होंने बेचा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं. इस रिकॉर्ड को मैं पहले हटा देता हूँ. अब देखिए यहाँ हमें टोटल करना है, तो टोटल आप जानते हैं कि इज इक्वल टू से कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू होता है. इज इक्वल टू से शुरू करने के बाद हमें सबसे पहले प्राइस सेलेक्ट करनी है. प्राइस हमने सेलेक्ट कर लिया. अब देखिए जैसे ही हमने प्राइस सेलेक्ट करी है यहाँ C2 लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये जो 6 यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी नाम के कॉलम में, 2 नाम के रो में. यानी रो और कॉलम्स को मिलाने से बनता है स्प्रेडशीट. ठीक है, तो ये जो स्प्रेडशीट के अंदर ये जो लिखा हुआ है 6 ना, इसका एड्रेस है C2. ठीक है, और इसी को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं. अब इसमें आपको सिर्फ C2 दिखाई दे रहा है, इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं. सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए सेल रेफरेंस जो है एक्सेल में 3 प्रकार के होते हैं, तो अभी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हमने फिक्स नहीं किया है. फिक्स कैसे होता है, चलिए अभी समझेंगे फिक्स कैसे होता है. फिलहाल तो ये जानिए कि इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट कितनी भी की है उसे सेलेक्ट कर लीजिए. ओह यहाँ आ गया D2. ये जो 7 लिखा हुआ है ना, इसका एड्रेस है D2. ओके, इसलिए यहाँ D2 आ गया. तो अब आपको करना है एंटर. ठीक है, एंटर कर दिया हमने. एंटर करने के बाद यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया है. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है तो ये सबका आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, टैक्स अमाउंट निकालना है. तो क्या करेंगे टैक्स अमाउंट निकालने के लिए, सबसे पहले इज इक्वल टू का निशान लगा लेंगे, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है. उसके बाद क्या करना है, टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए. अब देखिए फिर यहाँ E2 आ रहा है, यानी ये E2 D2 C2 P2 जो भी आए समझिएगा ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है. ठीक है, अच्छा चलिए E2 तो आ गया यहाँ पे. अब हमें क्या करना है, इसमें करना है मल्टीप्लाई. किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखिए ये H1 2 3 में लिखा हुआ है 4.77, ये टैक्स का अमाउंट है. मैंने इसे कहा क्यों यहाँ लिखा है, अभी आपकी बात समझ में आएगी. इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए H3 में ये लिखा हुआ है, यानी ये भी रिलेटिव सेल रेफरेंस है. यानी अगर आपसे पूछा जाए E2 × H3 में कौन सा सेल रेफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे, रिलेटिव सेल रेफरेंस. ओके चलिए अब आपको करना है यहाँ पे एंटर. मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया है. एक्सेल की क्वालिटी होती है इनेबल फिल हैंडल, यानी कि इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये सारे अकॉर्डिंग टू टोटल सारे रिजल्ट लेके आ जाएगी. तो चलिए यहाँ ड्रैग करते हैं हम, सॉरी यहाँ पर रखते हैं इसको और यहाँ से ड्रैग करते हैं. तो ये देखिए यहाँ पर पहला रिजल्ट तो हमारा सही आ गया, लेकिन यहाँ पे दूसरा रिजल्ट आ रहा है 0, तीसरा रिजल्ट भी 0, चौथा रिजल्ट भी 0, पांचवा, छठवां सब 0 आ रहा है.
क्यों जीरो आ रहा है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए यहां पर जो हमारे पास सेल रेफरेंस बना हुआ है, यह है E2 इंटू एच थ्री, आप देख सकते हैं इसे E2 इंटू एच थ्री। अच्छा, E2 में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। ये E नाम का कॉलम है, ये वन रो है, ये टू रो है, यानी E2 में लिखा हुआ है 42, तो यहाँ पर 42 आ गया होगा। अगर इसकी जगह कुछ और होता तो कुछ और आ जाता। सेल रेफरेंस का यही तो फायदा है, अगर मैं ये 42 को चेंज करूँ तो यहाँ कुछ और आ जाएगा, ठीक है, यही सेल रेफरेंस का फायदा है। तो आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर है H3, H3 कहाँ है, ये H है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हो गया H3। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये H3 में 4.77% रखा हुआ है। चलिए अब इसको मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया है टैक्स का अमाउंट, कितना टैक्स लगा होगा 42 रुपये पे, ठीक है। तो ये इतना टैक्स 42 रुपये पे लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम ड्रैग करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने ड्रैग किया, तो देखते हैं यहाँ 0000 आ जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है E2 into H3, यानी E2 यहाँ है, H3 यहाँ है। चलिए ठीक है, एंटर करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है E3 into S4। अच्छा, E3 क्यों हुआ, अच्छा इनेबल फील हैंडल है तो E3 तो होना चाहिए, E3 अगर नहीं होगा तो एक्सेल सॉफ्टवेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो E3 हो गया, ये तो सही है, यहाँ पर E3 हो गया, देख सकते हैं आप इसको, ये तो सही है। लेकिन यहाँ H4 भी हो चुका है, यानी ये जो टैक्स अमाउंट है वो कहाँ लिखा हुआ है, H3 में, और अभी क्या सेलेक्टेड है, H4, तो H4 में क्या लिखा हुआ है, 0। अच्छा ये बताइए, किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, 0 ही आता है, इसी वजह से यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा, और क्या करेंगे हम हम चाहते हैं कि अब देखिए यहाँ पर हैं, तो अभी देखिए ये लिखा हुआ है E2 into S3, ठीक है। अभी अगर नीचे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, E3 into H4, यानी E3 तो चेंज होना चाहिए लेकिन H4 नहीं होना चाहिए। अच्छा, H4 में रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आप ज़रा सोचिए। देखिए H जो है कॉलम है और 4 जो है रो है, तो H तो चेंज नहीं हुआ। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, E2 into H3, ठीक है। E2 into S3 का क्या मतलब है, E2 into S3 का मतलब है कि यहाँ पे H3 है, यानी H नाम का कॉलम, हमें इस पे ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, इसकी बात तो आप समझ चुके हैं कि E2 के बाद E3, E3 के बाद E4, E5 ये होना चाहिए, तो ये हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे देखिए, ये आपको E2 into S3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे E2 into S3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, E3 into H4, यानी E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया, लेकिन E5 के साथ साथ H6 भी हो गया है, ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है H3 में, अगर H3 जो है H4 बन जाता है तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओह, तो आखिर क्या करें, कि अब यहाँ पे H तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैं तो E2 into S3, यहाँ पर हैं तो E3 into H4, E4 into H5, यानी क्या नहीं चेंज हो रहा है, हमारा कॉलम जो है नहीं बदल रहा है, तो हमें कॉलम को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। किसको फिक्स करना है, रो को फिक्स करना है, ये 3 जो है 3 ही रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, 3 के जस्ट पहले कर्सर को लेके आ जाइए और यहाँ पर शिफ्ट दबा करके 4 नंबर अल्फाबेटिक बटन दबाइए, 4 नंबर वाला अल्फाबेटिक बटन दबाइएगा। देखिए मैं यहाँ दबाता हूँ 1 2 3 4 अल्फाबेटिक बटन, तो यहाँ पे लग जाएगा डॉलर, लग गया डॉलर। अब आपको करना है एंटर, एंटर कर दिया, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिसके भी पहले डॉलर लग जाता है वो संख्या, चाहे वो कॉलम हो या रो हो, वो फिक्स हो जाती है, ठीक है, संख्या नहीं कहेंगे उसे, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, वो हो जाती है फिक्स। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है।
ये लीजिए सारा टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते हैं E2 into H3, चलिए ठीक है E3 into H3, यानी 3 नहीं चेंज हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर E4 into H4, यानी H तो पहले ही नहीं चेंज हो रहा था लेकिन 3 चेंज हो जा रहा था। अब यहाँ पे 4 नाम के कॉलम में है, 5, 6 कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही सेल रेफरेंस है। पहला सेल रेफरेंस मैंने बताया कि जब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए E6 है, तो E6 में डॉलर का साइन नहीं लगा है। फिक्स कैसे होता है डॉलर का साइन लगाने से, और यहाँ पर कहीं डॉलर का साइन लगा नहीं हुआ है, इसी वजह से यहाँ कुछ फिक्स है नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आए तो यहाँ पे 3 के पहले डॉलर का साइन लग गया तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। चूंकि हमारा रो जो है वो बदल रहा है और कॉलम नहीं बदल रहा है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, रो को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सेल रेफरेंसेस की, तो देखिए यहाँ पर रो और कॉलम को मिलाकर बनती है स्प्रेडशीट, ठीक है। तो यहाँ पर रो और कॉलम में क्या क्या है देख लीजिए एक बार फिर से आप, यहाँ पे है E2 into H3, E2 के साथ क्या है H3 है, तो E2 तो हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस, आपको समझ में आ रहा है कि रो और कॉलम को मिला करके बनता है स्प्रेडशीट, ठीक है। तो E2 तो हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस, लेकिन रो या कॉलम में से कोई एक चीज फिक्स हो जाए तो वो हो जाती है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या फिक्स है, ये देखिए 1, 2, 3 रो होता है और ABCD ये जो लिख के आ रहा है ये कॉलम है। यहाँ पे कॉलम का पता कैसे करेंगे हम, देखिए ये कॉलम है F, E कॉलम है, D कॉलम है, G कॉलम है, J, ये सारे कॉलम है। रो क्या है ये देखिए 1 रो है, 2 रो है, ठीक है, ये सारे रो हैं। तो अभी आपको ये पता लगा होगा कि यहाँ पर रो को फिक्स किया गया है, हम चाहे तो कॉलम को भी फिक्स कर देंगे तो अभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से फिक्स है तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं फिक्स करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही रो और कॉलम दोनों के पहले लग गया डॉलर तो ये बन गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगाना होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या यहाँ पे रखा गया है H3, ठीक है, तो एब्सोल्यूट में आप लिख सकते हैं H3, ठीक है, H3 जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। अच्छा मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या है देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से ये H से हटा दूँ डॉलर, यानी फिक्स करने वाला सामान हटा दूँ यहाँ से, तो ये हो गया मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग भी कर देता हूँ, तो ये हो गया मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो देखिए H3 में सिर्फ रो फिक्स है, कॉलम नहीं फिक्स है। तो या तो रो या तो कॉलम दोनों में से कोई एक फिक्स होता है तो ही क्या होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, नहीं होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं, जबकि मिक्स्ड सेल रेफरेंस में या तो रो या तो कॉलम दोनों में से कोई एक ही फिक्स होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉलर H, अब यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 के पहले डॉलर लगाया है और यहाँ पर H के पहले लगाया है, दोनों में से कोई एक होगा तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। अच्छा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दोनों फिक्स होगा तब। अच्छा अब रिलेटिव की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंस E2 जो लिखा हुआ है E2, तो यहाँ E2 जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस है, या H2 भी लिख, कोई भी हो सकता है, वो आपका H3 H2 कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ E2 लिख देता हूँ E2, तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। आई बात समझ में, आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से रिलेटिव किस प्रकार से मिक्स्ड सेल रेफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे खूब शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।